कितनी जगह खाली पड़ी हुई है अभी भी, अभी रश ठीक से बढ़ा ही नहीं है। तो देख सकते हैं कि महंगाई के दौर में मरीम नवाज़ को देखने के लिए जो चाहने वाले हैं वो कम पड़ गए हैं। आप किस उम्मीद से यहाँ आए हैं? नंजे पीछे आए, झूठा है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता रहेगा। दो नंबर पठाने है, झूठ बोलता है। अस्सलाम वालेकुम पख्तूनख्वा चैनल में खुश आमदीद। देख सकते हैं कि मरीम नवाज साहिवाल में आई हुई है, आज वर्कर्स कन्वेंशन है। आज हम देखेंगे जाके कि क्या माहौल बना हुआ है, कैसे आवाम है, कितनी आवाम है, क्या अभी भी महंगाई के दौर में जो पीडीएम है वो रूज पर है, या फिर पीडीएम अपने होश खो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप किस उम्मीद से यहाँ आए? हम भाई सिगरेट बहुत महंगी हो गई, इस उम्मीद से आए हैं। तो ये सस्ती कर देंगे? इनसे कोई उम्मीद नहीं। तो फिर आप सपोर्ट किसको करते हैं? बस देखने आए हैं इन्हें। सपोर्ट किसको करते हैं आप? इमरान खान को। बस देखने आए? बस देखने आए हैं। कितनी जगह खाली पड़ी हुई है अभी भी, अभी रश ठीक से बढ़ा ही नहीं है। तो देख सकते हैं कि महंगाई के दौर में मरीम नवाज़ को देखने के लिए जो चाहने वाले हैं वो कम पड़ गए हैं। तो अब इतने लोग नहीं हैं जो पहले कहते थे। जो अगली हुकूमत आएगी इनकी, वो क्या बेहतर कर पाएगी? नवाज शरीफ इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अब तो हालात ख़राब है आपके सामने ही है। अब जो हालात इमरान खान ने किए हैं ना, इमरान खान ने हालात ख़राब किए हैं। अच्छा उन्होंने किए हैं? इन्होंने नहीं किए, इन्होंने पाकिस्तान बचाया है। ये ना करते तो दिवालिया हो जाता श्रीलंका जैसा। मरीम नवाज बेहतर कर पाएगी उम्मीद है? हाँ जी, बहुत अच्छा कर पाएगी, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर आए हैं किस उम्मीद से आए हैं? इस उम्मीद से आए हैं कि मैं मिनोरिटी से तलक रखता हूँ, ज़िला साहिवाल से, डॉक्टर इरफान भट्टी मेरा नाम है। कि ये उम्मीद ये है कि जो पाकिस्तान वो बहुत पीछे चला गया है, बहुत उम्मीद है कि जो IMF के फैसले जो किए थे इमरान खान ने, गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान पीछे गया। अब खुदा करे पाकिस्तान आगे जाएगा, बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की में जाएगा। जी आप किस उम्मीद से यहाँ हैं? उम्मीद की किरण लेके आए हैं। तो आपको यकीन है कि आप बेहतर कर पाएंगे आगे जाके? इंशाल्लाह करेंगे बेहतर। जी आप किस उम्मीद से यहाँ हैं? ऐसे जलसा हो रहा था, हमने कहा चलो आ जाएं, बाकी तो आप इनको सपोर्ट करते हैं? करते सपोर्ट बस, अब अगर इनकी पॉलिसियाँ अच्छी होंगी तो हम इनको सपोर्ट करते हैं। अगर यही इलाज जो मुल्क चल रहे हैं तो भाई फिर हर बंदा अपनी रोजी रोटी के चक्कर में चला हुआ है, और इसको हम क्या कहें। जी आप किस उम्मीद से हैं? मैं करे और करा। आप किस उम्मीद से यहाँ आए हैं? नंजे पीछे आए बस। अच्छा हाँ जी, मान चोर आ, घरिया चोर, असला चोर हैं, गड्डियाँ बेच रहे ने हैं, पैसे खा ले, आटा चीनी नहीं मिलना हैं, तो घट हो घट हो ला हैं, झूठ आ रही मान सारा। नारे तो बहुत चल पड़े हैं, तो मैं इनसे पूछता हूं भाई जी, महंगाई बहुत है, खपी जावे तो कोई शायद आएगी, तो फिर ही महंगाई बहुत है कि पूरी पुआई नहीं रही है। आपको उम्मीद है इन पर? उम्मीद तो नहीं है, उम्मीद को देखे तो फिर ही है, हर हर पाई खड़ी है, हर हर चीज मंगा, चूल्हा नहीं बाल रहा जी। तो आप फिर किस उम्मीद से यहाँ हैं? इस उम्मीद से आए कि चूल्हा बले, चूल्हा नहीं बले तो आने तो कोई फायदा। इन पर उम्मीद है आपको? उम्मीद तो बड़ी है। अच्छा उम्मीद बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किस उम्मीद से यहाँ हैं? सर मैंने इसे महंगाई ख़त्म कर लेंगे, ये जो मजदूर आदमी हैं सर ये रोडों पर आ चुके हैं, हमें इसे लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे मजदूरों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये तंगी की वजह से हम आए हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, बार बार यही कहते हैं कि मजदूरों का कुछ सोचें। अस्सलाम वालेकुम। आप किस उम्मीद से आए हैं? कामयाबी की उम्मीद से आए हैं इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है कि कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला, महंगाई कम कर पाएंगे? साहिवाल जो है ना, ये साहिवाल मियां साहब का भाई वाल है। साहिवाल जी मियाँ साहब जब आते थे वो कहते ये साहिवाल जी ये मेरा भाई वाल है, और इंशाल्लाह ताला भाई बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, और कामयाबी होगी। यहाँ की नौ सीटें मियाँ साहब की होती हैं, और इंशाल्लाह इस बार भी नौ की नौ सीटें मियाँ साहब की होगी। जो इमरान खान का बयान ही कामयाब होगा जी? जो इमरान खान का बयान है वो कामयाब हुआ कि नहीं? कुछ भी नहीं है, वो बच्चे को पता चल चुका है कि ये झूठा है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता रहेगा। दो नंबर पठाने है, झूठ बोलता है। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज जिंदाबाद। अभी भी उम्मीद इनको यहूदी लॉबी का एजेंट है, असल में यहूदी लॉबी का एजेंट है, अमेरिकन एजेंट है। ये पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए आया है, तरक्की देने के लिए नहीं आया, बच्चा बच्चा जानता है। आज इसके 4 साल का दौर देख लें,
चार साल में पाकिस्तान नीचे गया है ऊपर नहीं गया है। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज़ी के दौर में 2018 तक पाकिस्तान हमेशा ऊपर को जा रहा था। और आप क्यों नीचे जा रहा है? अब इनकी हुकूमत है, अब इनकी हुकूमत नहीं, ये उसका किया हुआ ये भुगत रहे हैं, उसकी फसल लगाई हुई ये काट रहे हैं। इंशाल्लाह ताला नई जो फसल बोएंगे हम, ये हुकूमत इंशाल्लाह ताला वो फसल इतना ही बड़े फूलेगी कि दुनिया को ये जब हम आगे लोगों से पूछे जाते हैं कि वो क्या राय देते हैं, जो मरियम नवाज इस टाइम जो बोल रही है वो ये वादे पूरे कर पाएगी कि नहीं कर पाती है, जब अब इनसे पूछते हैं जी आपको यकीन है कि ये बेहतर कर पाएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर करेंगे, ये करना ही इन्होंने बेहतर है, यही बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इस टाइम भी इनकी हुकूमत है, 3 साल गवर्नमेंट की ना उसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। इस टाइम जो इनकी हुकूमत है पीडीएम की तो हालात खराब है, पीडीएम की हुकूमत जो है ना ये इन्होंने ली है, वरना मुल्क आपका डूब जाता अगर ये ना लेते, ये उन्होंने बचाया है इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किस उम्मीद से यहाँ आए जी? किस उम्मीद से यहाँ आए आप? हम उम्मीद लेकर आए हैं इधर अपनी जमात के लिए आए हैं। और आपको क्या लगता है कि जो इस टाइम पीडीएम बुरे हालात में है ठीक कर पाएगी? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आस्ता आस्ता सब मामला ठीक हो जाएंगे। और आप कब से सपोर्ट कर रहे हैं इनको? हमको 10 साल हो गए। 10 साल हो गए।